बोलिए लाडली लाल की। तो श्री कृष्ण के प्रति कामना होना ये निंदनीय नहीं है, वंदनीय है, क्योंकि इसका फल परमानंद है। कृष्ण भक्त सकामोपि वरोन्य सेवकात खलु निष्कामादपि तत्कामो यतो मोक्षाय कल्पते। अरे गोपियां जितनी भी थी वो श्री कृष्ण को ब्रह्म मानती कहां थी। सूत जी ने शौनकादिक परमहंसों से कहा, तम मे निरे बला मूढ़ास्त्रैणम चानुव्रतम रहा। मूढ़ा कहा है गोपियों को, मूढ़ कहा, मूढ़ सूत जी महाराज ने, भक्ति के आचार्य, और उनके मुख से क्या शब्द निकल रहा है, वे मूर्ख गोपियां। उन्होंने श्री कृष्ण को क्या माना, त्रैणम स्त्रियों का गुलाम, चानु ब्रह्म चानु ब्रतम। अब जब कोई गुलाम होगा तो अनुव्रत शरणागत होगा ही कि हर आज्ञा मानेगा। दूसरे हमारे गंवारी सांसारिक शब्दों में उसको बोल लीजिए लंपट राज। सूत जी महाराज कह रहे हैं। और ये सुनते ही जब सुखदेव जी ने बताया परीक्षित को कि सूत जी ने ऐसा कहा, तो परीक्षित का माथा ठनका। तो सुखदेव ने और उसमें जले में आग में घी डाल दिया। उन्होंने कहा तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्यापि संगता। ओ जार बुद्धि से काम भावना से गोपियां श्री कृष्ण के पास गई थी और प्यार किया था। अब परीक्षित का और दिमाग खराब हुआ कि सूत जी ने भी कहा और हमारे गुरु जी भी कह रहे हैं सुखदेव परमहंस, जो पैदा होने के पहले ही से मायातीत परमहंस हैं, वे सुखदेव। तो परीक्षित कंट्रोल नहीं कर सके। उन्होंने कहा गुरु से कुछ छुपाना गलत है, इसलिए स्पष्ट हम पूछेंगे गुरु जी से। तब क्वेश्चन किया कृष्णम विदु परम कांतम न तु ब्रह्म तया मुने गुण प्रवाहो परमस्तासाम गुण दियाम कथम। महाराज गोपियों ने तो खाली पति मान लिया था ना श्री कृष्ण को। हाँ हाँ, तो ये तो माया के क्षेत्र की बात हो गई। तो फिर उनके गुणातीत कैसे हो सकती हैं वो। अच्छा, सावरण ब्रह्म और निरावरण ब्रह्म दोनों को तू एक कैटेगरी में रखना चाहता है मूर्ख। ये संसार के मनुष्य या वस्तुएं माइक हैं और श्री कृष्ण मायातीत शुद्ध वस्तु है। तो शुद्ध वस्तु न वस्तु शक्तिर बुद्धिमपेक्षते। सिद्धांत है कि वस्तु बुद्धि की अपेक्षा नहीं रखती। ध्यान दो, हाँ, वस्तु बुद्धि की अपेक्षा नहीं रखती। जैसे जहर है, पॉइजन, अब उसको हमने समझा कि ये रसगुल्ला है और हमने खा लिया, तो हमारा समझना नहीं काम देगा, वो पॉइजन मार डालेगा। यानी बुद्धि हमारी चाहे उसमें जो हो इससे कोई मतलब नहीं, वस्तु का फल मिलेगा। हम जो दवा खाएंगे उसका जो गुण है वो हमको मिलेगा, जानकर खाएं चाहे अनजाने में खाएं। कुछ लोग अपने मरने के लिए जहर खा लेते हैं, देखो जान के, और कुछ लोग दूसरे को मारने के लिए जहर मिला देते हैं, देखो अनजाने में मरे दोनों। ऐसे श्री कृष्ण को ब्रह्म जान के प्यार किया तो भी श्री कृष्ण की प्राप्ति, श्री कृष्ण को एक लड़का कॉमन लड़का जानकर प्यार किया तो भी वही लक्ष्य प्राप्त हुआ।
वही गोलोक, वही प्रेमानंद, वही परमानंद,